ये देखे ये देखे ये बड़ा बोर के फैर मारे हैं इन्होंने। अस्सलाम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एमपीए एजाज खान जाजी साहब मौजूद है। बताइएगा जाजी भाई, क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं? मैंने तो पूरी पिंडी चेक की है कि हर पिंडी की खन्ने काक तक इन्होंने गलियों के अंदर भी छोटे कंटेनर लगाए हैं, छोटे ट्रक लगाए हैं और छोटी वो शाजोर गाड़ियां, छोटी सी गाड़ी, छोटी सी वो गली है वो भी इन्होंने बंद की हुई है। बहुत खौफजदा हो चुकी हैं ये। ठीक है, क्यों कि ये एक बात ज़हन में रखे, मैं बार बार कह रहा हूँ और आपको ये वक्त बताएगा, ये इस्लाम और कुफर की गैर अलानिया जंग हो रही है, ये कोई सियासी जंग नहीं है। इसलिए ये इनको खुला आर्डर है पीछे कुफार की तरफ से, जो कुछ कर सकते हैं ये करें। ये शेलिंग की है इन्होंने, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला ये हकीकी आजादी की जंग हम इंशाल्लाह ताला जीत के रहेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान की जंग हम नहीं लड़ रहे, ये 57 सलामी ममालक की जंग हम लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल फलस्तीन के अंदर बच्चे ज़बह हो रहे हैं बेगुनाह, जो लबनान के अंदर फलस्तीन ये इसराइल कर रहा है, इसराइल अभी जो कर रहा है इनकी शीरबाद है इसके अंदर। आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक जमाना गुजर गया है पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए, ऐसे कभी देखा आपने? कभी नहीं देखा। अब ये खुल के सामने आ गए हैं ना, जिस तरह खान साहब ने कहा है कि की आजादी की जंग है, उन्होंने नारा लगाया है और इन्होंने बिल्कुल इन्होंने ये कह दिया है, ये जो सारे गोलियां चला के पिछले दो साल से, जिस तरह जो पहला धरना हुआ था जो लॉन्ग मार्च खान साहब लेके आए थे, जिस तरह उन्होंने शिलिंग की थी कराची तक, माओ बहनों को नहीं छोड़ा था, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हाँ कि आप ये कौम गुलाम है और हम कुफार के हाथों में खेल रहे हैं, कुफार के कुत्ते हैं ये, और इंशाल्लाह ताला इन कुत्तों को हम मार के और भगाएंगे इनको। और अब ये जंग इसी तरह चलेगी। मैं ये कहता हूँ इनको इंशाल्लाह ताला, ये मीडिया वाले भी जितने हैं मलकान जो बिल्कुल नहीं दिखा रहे, ये जो दो नंबर जज बैठे हुए हैं, ये जिस तरह मियां नवाज शरीफ जरदारी है, हम इनको भागने नहीं देंगे। हम सिर्फ पाकिस्तान को आजाद नहीं करवाना, हम इनको पकड़ के इंशाल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान का जो कर्जा है इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डाला हुआ है, जो रिटायर्ड जर्नैल भी है जिसमें बाजवा भी है, वो भी पाई पाई हम वसूल करके इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से पाकिस्तान को आजाद करवाएंगे, उसी दिन पाकिस्तान का सारा कर्जा भी उतारेंगे हम। मेरी बात सुने।